खुलासा में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे पटना जिला में मॉब लिंचिंग हुई है, और मॉब लिंचिंग ऐसे वैसे नहीं, लुटेरे के साथ साथ पुलिस को भी मार खानी पड़ी है। घटना फतुहा थाना के नियाजीपुर गांव के पास NH 34 लेन का है, जहां अरोबी के समीप घात लगाए 3 के संख्या में बाइक लुटेरा एक युवक को लूटने की योजना बना रहा था। इसी क्रम में एक बाइक सवार जिसका नाम राहुल था, वो पटना से अथमल गोला की तरफ जा रहा था, लेकिन दीदारगंज के पास उसे एक लुटेरा ने लिफ्ट लेने के लिए रुकने का इशारा किया। आम आदमी समझकर जब राहुल ने अपनी गाड़ी रोकी तो गाड़ी रोकते ही लुटेरों ने पहले उसकी चाबी निकालने की कोशिश की, फिर उसने अपने गाड़ी को सड़क के किनारे फेंक दिया। तभी तीनों लुटेरा जो इधर उधर खड़ा था, उसने अपने कमर से पिस्तौल निकाल कर उसके साथ मारपीट करने लगा। ये घटना फतुहा की है। इसी क्रम में पटना से आ रहे एक बाइक सवार को उस पर नजर पड़ी, तब सड़क किनारे खड़ी कई ग्रामीण उसको देख करके इसकी सूचना पुलिस को भेजी, और उसके बाद ग्रामीणों ने हंगामा करना शुरू किया। ग्रामीणों को देखकर लुटेरों ने अपना पिस्तौल कहीं फेंक दिया, और दो लुटेरा सड़क के नीचे एक खेत में जाकर छिप गए। देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए और तीनों लुटेरों को पकड़कर पीटना शुरू किया। तभी कुछ ग्रामीण ने इसकी सूचना थाना को भी दी। सूचना मिलते ही फतुहा थाना दलबल के साथ वहां पहुंची, पिटाई कर रहे भीड़ से लुटेरे को बचाने की कोशिश की, जिसके लिए 4 पुलिस पदाधिकारी को भी मार खानी पड़ी, और अंत में जब पुलिस पदाधिकारियों ने पिस्तौल निकाला, भीड़ के सामने पिस्तौल दिखाई, तब जाके भीड़ रुकी। इस दौरान फतुहा थाना अध्यक्ष मनीष कुमार समेत कई पुलिसकर्मियों को चोट भी लगी है। काफ़ी परेशानी के बाद ग्रामीणों ने से छुड़ाकर लुटेरों को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया और थाना लाई, लेकिन पुलिस को लुटेरे के पास से पिस्तौल बरामद नहीं हो पाया। सभी लुटेरे पटना सिटी के हैं और NH पर लूट कांड को अंजाम देने वाले गिरोह के सदस्य हैं। बाइक सवार से नकदी और मोबाइल भी लूटे जाने की सूचना है, लेकिन पुलिस अब तक लूटे गए सामानों की खुलासा नहीं कर पाई है। ये विजुअल आप सामने देखिए कि लुटेरे को कैसे लोग पीट रहे हैं। पीट ही नहीं रहे हैं, लुटेरे को भीड़ से बचाने की कोशिश में जुटे पुलिसकर्मी भी लोगों के शिकार हो रहे हैं। घटना फतुहा की है। एक बार फिर से आपको बता दें कि यह घटना फिर से लॉकडाउन के बीच में मॉब लिंचिंग की है, जो पटना से हुई है। अरुण कुमार की रिपोर्ट।